डीजल वाले ऑटो और विक्रम हटाए जाने के विरोध में उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ से जुड़े यूनियनों के पदाधिकारियों ने आज लैसडाउन चौक पर प्राधिकरण और मुख्य सचिव का पुतला दहन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो विक्रम सिटी बस संचालकों ने वाहनों को हटाए जाने और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का जमकर विरोध किया। उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर डोईवाला से लाल तप्पड़ में बनाया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ऑटो रिक्शा व विक्रम की संचालित परिधि 25 किलोमीटर है। यदि निर्धारित दूरी से बाहर जाकर गाड़ी को फिटनेस कराई जाएगी तो उसमें डीजल ज्यादा लगेगा और समय की बर्बादी भी होगी। सर, हमारा जो आज का कार्यक्रम है ऑटो विक्रम महासंघ के, मैं जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत कुकरेजा, आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया, सरकार अपना सोई हुई है। हमने विधानसभा का जो है घेराव भी किया, उसके बाद भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, हमें कोई नहीं बुलाया गया। ऐसी परिस्थितियों में हमें पुतला दहन का कार्यक्रम करना पड़ा कि गोई सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार जाग जाए। लेकिन हमारे ऑटो विक्रमों को शहर से बाहर करने की जो इन्होंने योजना बनाई है, उसका ऑटो विक्रम महासंघ घोर विरोध करता है। और ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर जो खोला गया है, उसके लिए जो जब तक अन्य ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर नहीं खोले जाते, तब तक जो है पूर्व की भांति जो है फिटनेस हमारी की जाए, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और आने वाले कल में जो भी स्टेप लिया जाएगा, उसका जो है यूनियन आपस में समन्वय करके अपने बच्चों को भी सड़कों पे लाएंगे। हो सकेगा हम अपनी गाड़ियों को आरटी ऑफिस में या परिवहन कार्यालय में, परिवहन आयुक्त कार्यालय में, जो भी हमारा डिसाइडेड होगा, हम वहाँ पर उनको गाड़ियों को सरेंडर कर देंगे। और आप अपनी अपनी जो है रासलीला संभालिए, हमारे बच्चों को जहर की पुड़िया दे दिए, हम यही चाहते हैं। हमारा रोजगार बरकरार रहना चाहिए, जो हमारी आयु सीमा निर्धारित की है उसे फेल कर दिया जाए, उसे आरटीए बैठक को जो है निरस्त कर दिया जाए, और हमारी मांगों को, हमारे बच्चों को रोजगार प्रदान किया जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है।